दोस्तों, गलती से अगर हमारी OLX का OPT किसी को शेयर हो जाए तब हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, कल की जो मैं वीडियो OLX के ऊपर बनाया था उस पे काफी सारे इसी तरह के कमेंट आए थे कि सर, अगर हमारी OLX की OPT गलती से किसी को शेयर हो जाए तब हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप अपने OLX की OPT किसी को अगर गलती से शेयर कर देते हैं तो वो बंदा आपके नंबर से अपने मोबाइल में OLX इंस्टॉल करके और आपके नंबर से लॉगिन कर सकता है। लॉगिन करने के साथ आपके नंबर से कोई फ्रॉड एड डालकर किसी को ब्लैकमेल कर सकता है, जिससे आपको नुकसान पहुंच सकता है। तो अगर आप अपना OLX का OPT किसी को शेयर कर दिए हैं तो सबसे पहले आप अपना OLX को ओपन कीजिएगा। OLX ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे आप आइएगा अकाउंट में, यहाँ पे खाता लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और इसके बाद जाइएगा यहाँ पे सेटिंग्स में। यहाँ पे सेटिंग्स में जाइएगा और सबसे पहले यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है गोपनीयता का, यहाँ पे पासवर्ड बनाए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा पासवर्ड बनाए पे और अपना एक नया पासवर्ड सेट कर लीजिएगा। पासवर्ड सेट कर देने के बाद यहाँ से हम आते हैं बैक और इसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है सभी डिवाइसेस से लॉग आउट करें। तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा सभी डिवाइसेस से लॉग आउट और यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा जारी रखें, जिससे अगर आप OPT शेयर कर देते हैं और दूसरे बंदा आपकी OLX ID को लॉगिन कर लेता है तो आप उस ID को अपने फोन से यहाँ से जारी रखें पे क्लिक करके लॉग आउट कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना होगा कि अगर आप यहाँ से देख लीजिए कि अगर आपके अकाउंट से अगर कोई ऐड डाला हुआ है, यहाँ पे कोई ऐड डाला हुआ है, तो आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे जाना होगा और सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा खाता निष्क्रिय करें और मेरा डेटा हटाएं, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आप क्लिक कीजिएगा निष्क्रिय करें, जिससे आपकी सारी ऐड यहाँ से डिलीट हो जाती है। आपकी डेटा OLX पे तो रहती है मगर आपकी यहाँ से ऐड डिलीट हो जाती है। इतना कर लेने के बाद आपकी OLX की अकाउंट सेफ हो जाता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके काम की होगी, आपके हेल्पफुल होगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में और ऐसे ही सिंपल सिंपल वीडियो मैं अपने चैनल पर लेके आते रहता हूँ, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।